तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज एसी को हम डीसी में बदलेंगे। तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं यहाँ पे। फर्स्ट ईयर के हमारे जो स्टूडेंट हैं ईशांत, दिलराज और बाकी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को परफॉर्म करने के लिए, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए दो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, एक तो ईशांत और दूसरा दिलराज। तीसरा हमारा चिंटू है जो भी अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, नाउ शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे एसी को हम डीसी में बदल सकते हैं और मल्टीमीटर से इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे लिया है। जो ट्रांसफार्मर है हमारा, वो एसी को डाउन करेगा, स्टेप डाउन करेगा और उसमें वोल्टेज को कम करेगा, ताकि हम यहाँ पे इस मोटर को डीसी से चला सकते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इस मोटर को हम ओनली डीसी सप्लाई से ही चलाते हैं, इसके अलावा एसी सप्लाई से इसको नहीं चलाते। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम यहाँ पे एसी के दोनों सप्लाई को जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ बता दें कि जो ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे हमने बनाया है, ये चार डायोड्स को जोड़कर आपस में कनेक्ट करके बनाया है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको देखो सिल्वर कलर आपको नज़र आ रहा होगा, स्लेटी कलर। तो ये जो स्लेटी कलर है, ये होता है आपका पॉजिटिव, और बाकी जो ब्लैक वाला जो टर्मिनल है, ब्लैक वाला पॉइंट है, ये होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर इन्होंने, स्टूडेंट्स ने दो वायर जोड़ दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के हमने इनपुट में दोनों ही वायर सप्लाई के जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे जैसे कि आउटपुट में आप देख सकते हैं किस तरह से हमने आउटपुट वाले टर्मिनल पर दो वायर जो है जोड़ दिए। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आपको तीन तार नज़र आ रहे होंगे, तो तीन वायर यहाँ पे आपको वोल्टेज अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप वोल्टेज को इस वायर से यूज़ करके 12 वोल्ट भी कर सकते हैं। अभी दो वायर हमने यूज़ किए हैं तो यहाँ पर हमें ओनली 12 वोल्ट मिलेगी। अगर आप तीनों वायर को यूज़ करते हो तो आपको 24 वोल्ट मिलेगी। तो चलिए चेक करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं सप्लाई देकर। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो प्रैक्टिकल है ये इन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इन्होंने इसका कनेक्शन किया है। एक बार फिर से आपको कनेक्शन इसके चेक करवा देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहें। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसा कि सर ने बताया, हमने सारे कनेक्शन कर चुके हैं। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर में यहाँ पे इनपुट डालते हैं और यहाँ से आउटपुट निकालते हैं। इसमें चार टर्मिनल होते हैं, जिसमें से दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट निकालते हैं। इसमें से दो इनपुट वाले यहाँ पे, एक इसमें प्लस वाले में लगता है और एक इधर माइनस में लगता है, बोलते हैं जो इस मोटर में लगता है। जिससे इसमें इनपुट डालेंगे तो मोटर की आउटपुट यहाँ पर दिखने देगी। तो जैसा कि आपने सुना होगा अभी किस तरीके से इन्होंने बताया है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सप्लाई को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम सप्लाई को ऑन करके आपको बता दें, ताकि आपको पता चल जाए कि सप्लाई यहाँ पे चालू है। तो देखिए, आप यहाँ पे 220 जो घर पर सप्लाई आती है वो यहाँ पर चालू है। तो हम यहाँ पर देखो, वायर कनेक्शन हमने यहाँ पर किया हुआ है, तो उसको चेक करते हैं सप्लाई चालू है या नहीं। तो आप चेक करिए इसको, यहाँ पर एसी सप्लाई आ रही है। यहाँ पे हम मल्टीमीटर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, अभी जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे 230 के लमसम वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है इनपुट पर। एसी सप्लाई है फ्रेंड्स, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। एसी सप्लाई है, 230 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी जो मोटर है वो रनिंग अवस्था में आ चुकी है। आपको वॉइस इसकी आ रही होगी, आवाज़ इसकी आ रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमने एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया इस ब्रिज रेक्टिफायर की वजह से, और यहाँ पे हमने मोटर को किस तरह से चालू किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल सकते हैं। और जैसा कि हमारे जो आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बड़ी ही मेहनत से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।